सो व्हाट्सअप एवरीवन, दिस इज सागर कमला, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम और एक लोकेशन पे हैं। अब लोकेशन क्या है, तो लोकेशन का नाम है श्रीवर्धन बीच, जो कोकण महाराष्ट्र में आता है। अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे 6 बजे के अराउंड, और आते आते 10:30 बज गए। लोकेशन इज़ वेरी नियर टू पुणे, मुंबई से भी थोड़ा दूर होगा मुंबई से, बट द लोकेशन इज रियली गुड। बट इट्स वन ऑफ द अंडररेटेड बीच इन महाराष्ट्र, जो दापोली के एकदम पास है, एंड इट्स अ पार्ट ऑफ कोकण रीजन। पुणे टू श्रीवर्धन वाला जर्नी काफी सही है, क्योंकि ये जाता है तामिनी घाट से, विच इज वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन नियर टू पुणे। मॉनसून में ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं होती। रास्ते वैसे 2-3 जगह पे खराब है, बट इट्स मैनेजेबल। सो फाइनली वी आर इन श्रीवर्धन, गोइंग टूवर्ड्स आज का स्टे। अभी जस्ट वी लैंडेड हियर। ये पीछे वाला जो देख रहे हो, ये हमारा आज का स्टे है, एक ही दिन के लिए रहने वाला है, विच कॉस्ट अस अराउंड 3600 फॉर द डे। तो चलता है, लेकिन वो घर के साथ पार्किंग और ये पूरा बगीचा मिला है, जहाँ पे अलग अलग पेड़ पौधे हैं। अभी नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, नाश्ता करने के बाद हम लोग जाने वाले बीच पे टू एक्सप्लोर दिस। और यहाँ पे आजू बाजू में बहुत सारे बीचेस है, तो वी आर नॉट श्योर कि कितना हम लोग एक्सप्लोर कर पाएंगे, बट विल ट्राई। तो चलो नाश्ता कर लेते हैं। फिलहाल दिस वॉज अवर स्टे एंड हम लोग इधर जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए, तो फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। हमने होम स्टे के नज़दीक ही एक लोकल के घर पे नाश्ता किया, गर्मा गर्म चाय के साथ। देन थोड़ा प्लान में चेंज करके वी डिसाइडेड टू गो एंड विजिट दिस पेशवा स्मारक, द हाउस ऑफ पेशवा बालाजी बाजीराव। ये एक ओल्ड स्ट्रक्चर है जो प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया गया है। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पे एक बालाजी विश्वनाथ जी का स्टैचू है। फिर ये जगह देख के हम गए वापस अपने होम स्टे पे। तो बात ये है कि हम लोगों ने सवेरे नाश्ता किया और अभी हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। सवारी आने की बाकी है, सवारी कौन देता है। सो नाउ वी आर एट दिस प्लेस कॉल्ड होटल महारत्न, तो देखते खाना कैसा है। डिसेंट सी जगह है जहाँ हमने वेज थाली खाई, तो फूड वॉज रियली गुड, यू कैन गिव इट अ ट्राई। बीच से हार्डली 600 मीटर्स की दूरी पे है। वेल, खाना तो हो गया है और अभी प्लान ये है कि हम लोग जाके देखेंगे बीच साइड पे, और वहाँ पे जाने के बाद एक साइट सीन करके हम लोग वापस जाएंगे घर पे। थोड़ा धूप कम होने के बाद फिर से वापस आएंगे। बीच के पास एक ग्राउंड है जहाँ क्रिकेट की टूर्नामेंट चल रही थी दोपहर में। इट वॉज फन टू वॉच, ऑडियंस भी काफी इंजॉय कर रही थी। दोपहर में फिर बीच पे पहुंचे, बीच पूरा ही खाली था क्योंकि धूप काफी थी। तो हमने भी सोचा अभी थोड़ा देख लेते हैं, लेकिन निकलते हैं जल्दी वापस अपने होम स्टे पे। वेल, बीच पे बहुत सारी चीज़ें हैं करने लायक, आई थिंक एक्टिविटीज़ भी है, लेकिन अभी धूप बहुत है तो हम निकल ही रहे हैं। तो आधे एक घंटे में 4-4:30 बजे आते हैं, सो दैट जो भी हमें इंटरेस्टेड है पानी में जाने के लिए उनको भी टाइम मिल जाए और हम भी आराम से थोड़ा गोल्डन आवर्स के मज़े ले सकें। तो अभी मैं आप लोगों को देने वाला हूँ एक होम टूर, जहाँ पे मैं रुका ना उस लोकेशन का। जैसे कि आप देख रहे हो पीछे पूरा बगीचा है जो बहुत अच्छे से बनाया हुआ है, और ये घर के आजू बाजू में पूरा बगीचा ही है इनका। ड्रोन में आपने देख ही लिया होगा कैसे दिखता है ऊपर से। ये कुछ घर था, यहाँ पे अच्छी खासी पार्किंग अवेलेबल है। फिर वॉशरूम, बेडरूम एरिया विद एसी,
हर जगह पे यहाँ पे कुछ ना कुछ फल पौधे लगाए हुए हैं। बनाना के पेड़ है बहुत सारे, उसके बाद में नारियल के पेड़ है, यहाँ पे एक बेल भी है, और उसके बाद चीकू, और बाकी ये पूरा वाइब जो है घर का बहुत सही आता है, पूरा केयर लाइट होम्स जैसा। फाइनली थोड़ी देर आराम करने के बाद मौसम बहुत अच्छा हो गया और हम लोग निकले बीच की तरफ। जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने अपना गैजेट्स का बैग ले लिया है, अभी अपनी गाड़ी वहाँ पे है, तो वील गेट दैट वील गो। तो मज़ा आने वाला है, बने रहिए इस वीडियो में, आपको भी मज़ा आएगा, आपको पता चलेगा कि इस बीच पे क्या है और क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो। वैसे बीच हमारे होमस्टे से सिर्फ 800 मीटर की दूरी पे है, तो जाने में टाइम भी नहीं लगता है। मेरे घर वाले ऑलरेडी पानी में चले गए, बाकी बीच काफ़ी साफ सुथरा है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, काफ़ी सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी है यहाँ पे, यू कैन डेफिनेटली हैव फन। एक पाथवे है जो बीच के बाजू में बनाया हुआ है, एंड दैट इज़ रियली गुड। आप आराम से बैठ सकते हो, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। हम लोग बीच पे पानी के अंदर है, मैं बाहर खड़ा हूँ जस्ट बिकॉज बाकी सब लोग इन्जॉय कर रहे हैं, यहाँ पे किसी को तो रुकना पड़ेगा, तो आई एम दी वन एज ऑलवेज। तो लेट्स वेट फॉर वन ऑफ देम टू कम एंड देन आई विल गो। यहाँ पे देखो बीच क्रिकेट चल रहा है। आज के दिन के लिए अपना यहाँ पे टाइम स्पेंड करके हो गया, अभी जाते हैं हम लोग घर पे ऑफिस, मे बी शाम में आएंगे या फिर मॉर्निंग में आते हैं, तो विल कीप यू अपडेटेड। तब तक के लिए बाय बाय तो नहीं बोलना है अभी, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। और फिर रात में एक लोकल रेस्टोरेंट में खाना खा के फिर से आगे बीच पे। वी वर सो हैप्पी सोकिंग दिस काम एंड पीसफुल वाइब्स एट द बीच, लग रहा था बैठ के इन लहरों को मैं घंटों तक देख सकता हूँ। वेल गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज़ डे टू और आज हम फिर से जा रहे हैं बीच पे। कल ड्रोन शॉट्स नहीं ले पाया था क्योंकि बहुत सारी हवा थी, आज हम ट्राई करेंगे अच्छे से ड्रोन शॉट लेने का और मॉर्निंग में बीच कैसा दिखता है ये आपको दिखाएंगे थोड़ी देर। यहाँ पे पार्किंग के लिए जगह कम है, इसकी वजह से शाम के वक्त थोड़ा ज़्यादा क्राउडेड हो जाता है, या फिर पार्किंग की जगह नहीं रहती फिर लोग रास्ते पर लगाते हैं, बट फॉर नाउ इट इज़ फाइन फॉर अस। मॉर्निंग में फिर बीच साइड पे चाय नाश्ता हुआ एंड वी स्पेंड सम गुड लास्ट मोमेंट्स एट द बीच। सवेरे सवेरे यहाँ पे कई सारी वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटी कराई जाती है। ये गया आसमान में, मैं आपको दिखाता हूँ आगे के नज़ारे, तो स्टे ट्यून्ड। काफी टाइम निकल गया एंड इट वॉज ऑलरेडी द टाइम टू लीव दिस ब्यूटीफुल प्लेस। दो इट वॉज जस्ट अ डे ट्रिप, वी कुडंट कवर मच, बट वी वर गोइंग विद सम गुड मेमोरीज एंड वी आर हैप्पी अबाउट इट, सो वी आर अबाउट टू लीव। बट बिफोर हेडिंग टुवर्ड्स पुणे वी डिसाइडेड टू विजिट दिस ब्यूटीफुल नियर बाय विलेज कॉल्ड हरिहरेश्वर, जो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा, नहीं तो ये वीडियो बड़ा हो जाएगा। सो दैट्स इट गाइस फ्रॉम दिस वीडियो, आई होप यू हैव एंजॉयड इट। इफ यस देन डू लाइक, शेयर विथ योर फ्रेंड्स जिनके साथ आप यहाँ पे ट्रिप प्लान करना चाहोगे, एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग इफ यू हैवेंट ऑलरेडी, क्योंकि ऐसे अच्छे वीडियोज में लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे फिर अगली वीडियो में।